सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। फिर से आ गए रे बाबा। आज से कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उस वाली वीडियो के अंदर मैंने कहा था कि आप लोग अपने ओनर स्कोर को इंक्रीज कैसे कर सकते हो, तो उसमें बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे। कुछ लोग तो ये कमेंट कर रहे थे कि इसके भाई मैप का कोड बताओ, और कुछ लोग ये कमेंट कर रहे थे कि जो तुम ट्रिक बता रहे हो ये काम नहीं कर रहा। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कोड भी बताऊंगा मैप का, और ये भी बताऊंगा कि आप लोगों ने ट्रिक को फॉलो कैसे करना है। तो आप लोगों ने बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करनी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमेंट में आके फिर भोगते हैं कि भाई तू ये ट्रिक बता रहा है ये काम नहीं कर रहा। मैं ये सोच रहा हूं कि ट्रिक काम करेगा क्यों, क्योंकि यार 2-3 मिनट की वीडियो है, तुम लोग इसको भी स्किप करते हो यार, अजीब बंदे हो। आई एम सॉरी बाबू। अच्छा गाइस, पहले तो मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि जो ट्रिक मैं आपको बता रहा था वो काम क्यों नहीं कर रहा। वो ट्रिक इसलिए काम नहीं कर रहा था क्योंकि तुम लोग गलत तरीके से ट्रिक यूज कर रहे थे। क्या कहना चाह रहे हैं भाई आप? क्योंकि यार ये गरीना दीदी का कहना है कि आप लोग एक दिन के अंदर 5 या ज्यादा से ज्यादा 10 स्कोर बढ़ा सकते हो, और तुम लोग क्या कर रहे थे, एक दिन के अंदर या 100 या 50 स्कोर बढ़ाना चाहते हो। यार ऐसा तो नहीं होता, ये गरीना का भी कुछ रूल होता है। सही बात है। तो आप लोग एक दिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा या 5 या 7 या 10 स्कोर बढ़ा सकते हो। मैंने दूसरी वाली वीडियो के अंदर इसलिए नहीं कहा क्योंकि मुझे लगा तुम लोग समझदार हो गए, लेकिन तुम लोग तो समझ रहे हो। चलो गाइस, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अपनी ओनर स्कोर को कैसे बढ़ा सकते हो। चलो। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा कि अभी मेरा ओनर स्कोर कितना है। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा अभी स्कोर 91 है। अब ये माइनस कैसे हुआ इसके बारे में मुझे नहीं पता, ये गरीना के सस्ते नशे है। चलो पहले तो ये देखते है कि ये माइनस हुआ क्यों है। तो यहाँ पर मैंने इसकी अबे ये क्या है, क्या हुई? यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है, यानी किसी मेरे टीममेट ने या सामने रैंडम प्लेयर ने ना एक्यूज किया हुआ इनकी बहन की। अजीब नुबड़े लोग हैं यार, इनको गेम खेलना आता नहीं फिर हैक यूज करते हैं आराम खोर कही के। तो चलो गाइस, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग इसको इंक्रीज कैसे कर सकते हो। इंक्रीज करने के लिए आपने सबसे पहले लो लूप स्टार्ट करना है। तो चलो गाइस, यहाँ पर मैं लो लूप स्टार्ट कर लेता हूँ। यार प्लीज, अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको अपने फॉलो करना है। तो यहाँ पर हम लोग गेम के अंदर आ चुके हैं। आने के बाद यहाँ से मैं शॉर्ट गन UMP और डेजर्ट लेता हूँ, क्योंकि सामने बंदा शायद थोड़ा सा प्रो होगा। इसका नाम क्या है यहाँ पर, अदिल जानी? हो क्या बात है, नाम से लग रहा है कि ये नुबड़ा होगा। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। तो अब हमने ना इस बंदे के सामने जाना है, ये बंदा जैसे हमें मारेगा हमें फौरन बैक करना है, उसकी गेम प्ले हमने नहीं देखनी। सही है, मुझे पता है आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो उनकी गेम प्ले देखते हैं, हमने गेम प्ले नहीं देखनी, फौरन बैक करना है। तो यहाँ पर देख सकते सामने हुकुम बना हुआ है, भाई क्या बोलूं मैं इसको। तो यहाँ पर हम इसके सामने आ चुके हैं और ये शॉट गन लेके हमें मार रहा है, मारो जल्दी। यहाँ पर जैसे हमें मारता है हम बैक करेंगे। तो यहाँ पर इसने मारा, हम यहाँ पे बैक करते हैं। देखा इतना आसान था भाई ये ट्रिक यूज करना, यार तुम लोग इस ट्रिक को यूज नहीं कर सकते यार, क्या बोलूं मैं तुम लोग को। तुम चुप रहो। ओके गाइज, यहाँ पर अब मैं आप लोगों को ऑनर स्कोर दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं ऑनर स्कोर के ऊपर क्लिक करता हूँ, पहले 91 था, आप देखते हैं कितना होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 92 हो चुका है 15-20 सेकंड के अंदर। तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है। तो कुछ इस तरह से आप लोग अपने ऑनर स्कोर को इंक्रीज कर सकते हो 15-20 सेकंड के अंदर। तो रुको जरा, सबर करो। अब मैं आप लोगों को एक और तरीका बताऊंगा जिसको यूज करके आप लोग बड़ी आसानी से ऑनर स्कोर को इंक्रीज कर सकते हो। बस तुम लोग खाली ये दुआ करो कि गरीना को पता ना चला होगा स्ट्रिक के बारे में, क्योंकि तुम लोग को पता होगा हर अपडेट के बाद ये लोग ग्लिच को कभी सही करते कभी नहीं करते। तो चलो मैं देखता हूँ कि ये ट्रिक काम करता है या नहीं। स्ट्रिक को यूज करने के लिए आपने एक टीममेट को बुलाना होगा, तो चलो यहाँ पर मैं किसी टीममेट को बुला लेता हूँ। A few moments later. Okay guys, ट्रिक को यूज करने के लिए यहाँ पर मैं अपने एक चपड़ी दोस्त को ला चुका हूँ। ओके गाइज, यहाँ पर हम गेम को स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हमें एक स्कोर मिलता था, अब इंशाल्लाह हमें 2 स्कोर मिलेंगे अगर गरीना को इस ट्रिक के बारे में पता ना चला होगा यार। तो चलो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है और इस चपड़ी को मैं समझा चुका हूँ कि हमने क्या करना है। हम सीधा बंदों के पास जाएंगे और मरेंगे, फिर बैक करेंगे और हमारा जो है ओनर स्कोर 2 बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। इस नुबड़े को चेक करो, ये मरने के लिए इतना तावला हो रहा है। अबे किधर जा रहा है, रुक ना, ये देख अब ये मरेगा फिर मैं मरूंगा। तो यहाँ पर इसको मार चुके हैं बंदे। चलो अब मेरी बारी है मरने की। ये बंदर क्या कर रहा है, अबे मारना मुझे, मैं तेरा टीममेट नहीं हूं। तो यहाँ पर इसका टीममेट आ चुका है, यहाँ पर इसने मेरे को मारा, मैं बैक कर लेता हूँ। ओके गाइस, यहाँ पर मैं बैक आ चुका हूँ। बैक आने के बाद मैं प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं कि ये ट्रिक काम कर रहा है या नहीं। पहले हमारा ऑनर स्कोर 92 था, अब देख 94 हो चुका है, मतलब ये ट्रिक अभी भी काम कर रहा है। तो कुछ इस तरह से आप लोग अपने टीममेट के साथ खेल के जो है ना ऑनर स्कोर 2 बढ़ा सकते हो। अगर आप अकेले खेलोगे तो आपका 1 स्कोर बढ़ेगा। पिछली वीडियोस के अंदर जो लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि मैप का कोड क्या है, तो आपके सामने ये कोड शो हो रही है, आपने इस मैप को खेलना है। पिछली वीडियो के अंदर मैं सब कुछ बता चुका हूँ मैप को आपने कैसे खेलना है, अपनी ऑनर स्कोर को कैसे बढ़ाना है। तो आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हो। अगर अभी भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके बताओ, इंशाल्लाह मैं फिर से वीडियो बना लूंगा। और कमेंट में ये जरूर बताना कि अभी आपका ऑनर स्कोर कितने पे। तो बस यार आज के लिए इतना ही था, मैं आपके साथ मिलूंगा किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना एंड अल्लाह हाफिज़।